वंदे मातरम। वाह देखो हम लोग का झंडा आज गणतंत्र दिवस है, तो आप सभी को गणतंत्र दिवस की ओर हार्दिक शुभकामनाएं और बहुत सारे आप छोटों को प्यार और बड़ों को प्रणाम। और देखो कौन आ रहा है। पहले मिस आती तो अच्छा होता। हाँ तुम भी ख्याल नहीं किया। नहीं किया। चलो प्रणाम कर लो मिस। हे एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू अनदर ब्लॉग। और आज सुबह सुबह जो है बच्चों को 7 बजे स्कूल दे दिया। 26 जनवरी गणतंत्र दिवस है, प्लस सरस्वती पूजा भी है, तो बच्चों को सुबह सुबह स्कूल छोड़ के स्कूल में भी बहुत सुंदर सजाया गया था बलून से और पेपर से। प्लस यहाँ पे बाबू दादा खड़े हैं देखिए, और यहाँ पे जो सजाया गया है ना छोटा सा, वहाँ पे जो है स्क्वायर टाइप का मतलब फूल वूल देके बहुत सुंदर से सजाया गया था वहाँ पे। वहाँ पे जो है फ्लैग होस्टिंग होगा और यहाँ पे जो है फ्लैग रखा हुआ था, तो यहाँ पे सब रेडी करके रखा हुआ था। सर आएंगे और सर टाइम होने पर सर फ्लैग होस्टिंग करेंगे। तो बच्चे जो है खुश थे, पर उन लोग का क्लास जो है बंद था। एक्चुअली सभी टीचर भी धीरे धीरे आ रहे थे, बच्चे धीरे धीरे करके एक एक करके आ रहे थे। और लनाया को मैंने ना आज नीचे ट्रैक पहन दे दिया था, क्योंकि बहुत सुबह सुबह 7 बजे तो बहुत ठंडा था। गुड मॉर्निंग आलोदी। तो सुबह सुबह देखो आज गणतंत्र दिवस भी है और सरस्वती पूजा भी है। दी वंदे मातरम। दी दी के माथा गरम है ना, तो दी यहाँ पे गोबर से लीप रही है सुबह सुबह। देखो खुद से दी आज गोबर लाई और लीप रही है। सुबह सुबह जो है जो शाम को थोड़ा बहुत किया था, तो यहाँ पे से करके रखा है पूजा करना है। तो यहाँ पे फटाफट से मैंने ड्रेस चेंज किया और फ्रेश हो गई, फिर से क्योंकि स्कूल गई थी चल चल के ना, तो इसलिए फटाफट से फ्रेश भी हो गई फिर से। ये सुबह एक बार हुई थी और फिर से हो गई, क्योंकि चल चल के रास्ते में बहुत धूल बाल हुआ था और पूजा करने में ना मन थोड़ा साफ मतलब अच्छा लगता है साफ सुथरा कुछ भी उससे करने से। फिर यहाँ पे जितना भी मुझे घट बैठाना था, तो घट के लिए जो जो सामान चाहिए तेल सिंदूर, तो सिंदूर में थोड़ा सा तेल मिलाई क्योंकि वहाँ पर मुझे स्वास्तिक बनाना था, तो मैंने लिया कलश में स्वास्तिक बनाया है यहाँ पे। और स्वास्तिक बनाने में जो बहुत अच्छा लगता है। फिर जो है घट में चाउर, फिर पैसा जो 5 सुपारी होता है ना घट में जो जो देना पड़ता है दिया। फिर घर बैठाया पूजा किया, क्योंकि इस बार ना छोटा से करके करके ही किया है, अगली बार बहुत अच्छा था क्योंकि पंडित जी थे सभी थे यहाँ पे, तो मज़ा हुआ था ज़्यादा। कोई बात नहीं, इस बार क्योंकि दो दो प्रोग्राम एक ही डेट पर पड़ गया है ना, तो थोड़ा भागा दौड़ी में फटाफट से मैंने यहाँ पे किया है सब कुछ। फिर आम का पल्लू होता है ना वो दिया वहाँ पे। फिर घट बोलते हैं ना, घट में जो है धागा बांधना चाहिए, घट को खाली नहीं बैठना चाहिए बोलते हैं, तो वो घट में जो है फटाफट से धागा बांधा जितना मुझे याद आता रहा मैंने किया। फिर सरस्वती माँ से माफ़ भी मांगा था कि मुझे जो जो आया मैंने किया, जो नहीं आया कोई बात नहीं, चलो जितना ज्ञान दिया है उतना किया, अब और भी ज्ञान दोगे तो और भी अच्छे से करेंगे। तो माँ सरस्वती हैं, विद्या देंगी, ज्ञान देंगी, बुद्धि देंगी, तो हम लोग करते रहेंगे, आगे बढ़ते रहेंगे। माँ का आशीर्वाद हम सबके साथ बने रहे, यही माँ से प्रार्थना करती हूँ। और यहाँ पे जो है मैंने घर बैठा दिया, घर के ऊपर चावल रखा और फिर छोटा सा एक माला लेकर आई थी फूल का वाइट कलर का, क्योंकि सरस्वती माँ का तो हुआ था। फिर चुनरी चढ़ाया माँ को, चुनरी दिया, क्योंकि चुनरी के बिना ना कोई भी अच्छा नहीं लगता है मुझे। दुर्गा माँ हो, लक्ष्मी माँ हो, काली माँ हो, सबको चुनरी पहना के पूजा करना बहुत अच्छा लगता है। फिर जो शाम रात को ही ना थोड़ा बहुत यहाँ पे सजाया था फूलों देख, क्योंकि हवा इतना ज़्यादा है ना कि कुछ कर नहीं पाएंगे। और हम लोग का जो ठाकुर जी का घर है ना छोटा है, तो वहाँ पे थोड़ा प्रॉब्लम होता है घुस के पूजा करने में कोई भी, तो वहाँ पे छोटा छोटा है इसीलिए। तो यहाँ पे सब कुछ तैयारी कर लिया मैंने, और देख रहे हो धूप की वजह से क्या हो रहा है, क्योंकि लाइट इधर पूरा आ रहा था। यह सबसे मजा का बात क्या हुआ पता है मुझे ना, माँ का अंजलि लेना था सरस्वती माँ का, वो अंजलि जो बंगाली में था वो उसका बुक नहीं मिल रहा था, क्योंकि मंत्र थोड़ा उल्टा पुल्टा होने से पूजा करने से दोष पड़ेगा, तो इसलिए मैंने क्या किया मिस का मोबाइल लिया। मिस के मोबाइल लेकर ना मैंने यहाँ पे आरती जो होता है अंजलि लिया हम सभी ने, तो अंजलि लेके ही बाबू ने बोला क्या वाह क्या मतलब तरीका है तुम्हारा। मैंने कहा क्या करें अब, पंडित जी वहाँ पे बोलेंगे, हम लोग यहाँ पे बोलते हैं। तो फ़ोन मिस का लिया और सभी को बुला के उसके बाद हम लोगों ने बेलपत्ता फूल और चावल देके जो है अंजलि अपना अपना लिया, क्योंकि अंजलि लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पूजा कुछ भी हो चाहे दुर्गा पूजा हो चाहे लक्ष्मी पूजा हो सरस्वती पूजा हो अंजलि लेना चाहिए। फिर ना मोबाइल लेकर मैंने यहाँ पे मिस से अंजलि लिया था, क्योंकि उसका जो बुक है ना मिल ही नहीं रहा था। फिर मैंने मम्मी को फ़ोन किया, मम्मी बोली वहीं पर होगा पर नहीं मिला कहीं पर भी। और ना मुझे अंजलि से साल में एक ही बार रहते हैं सरस्वती माँ का, तो वो मंत्र थोड़ा उलट पुलट रहा था मेरे याद में, तो मैंने कहा नहीं एक ही बार मिल जाने से तो अच्छी बात है, तो वहाँ से मिस से मैंने फटाफट से ले लिया था। और यहाँ पे कियान भी आ गया, बाबू को बुलाना पड़ा था कि कस्टमर आ गया था दुकान में। और फिर जो है मिस का फ़ोन लिया, उसके बाद हम लोगों ने अंजलि किया था, तो वो बहुत मज़ा का सीन है आप लोग देखिएगा।
हंसिएगा मत, कोई गलत कमेंट मत कीजिए, क्योंकि ना जो नहीं आता है हम लोग को सीखना चाहिए, क्योंकि साल में तो एक ही बार बोलती हूँ। तो यहाँ पे मैं सर्च कर रही थी कि मिल जाए मुझको तो मिला, और पूरा अंजलि लिया, जैसे हम लोग स्कूल में लेते थे ना पहले बचपन में, छोटे छोटे जब थे तो साड़ी पहन के दौड़ दौड़ के जाते थे अंजलि लेने के लिए। तो यहाँ पे भी यूट्यूब में पंडित जी यहाँ पे अंजलि बोल रहे हैं और हम लोग अंजलि लिए, तो मिस भी हमारे साथ अंजलि ली, लेना आया कियान सभी थे, और हमारे साथ था पोगो, क्योंकि पोगो ठीक हो गया था ना छोटा चली जली, तो पोगो को भी हम लोगों ने लिया। पोगो भी बैठा था साइड में, तो यहाँ पे दिख नहीं रहा है कि कैमरा जो आपको धुआं धो रहे, क्योंकि बहुत सारा धुआं भी हो रहा था ना, मैंने धुआं किया था इसीलिए। इसको जरा डाउन करो, नहीं हुआ ना, मत उठो, खड़ा हो जाओ, पुष्पांजलि ओम बद बद पापदनी स्वाहा ओम श्री सरस्वती ओम भद्रकाली नमो नित्यं सरस्वती नमो नमः वेद वेदांग वेदांत विद्या हरे प्रिया देवच एष स्वचंदन बिल्ल पत्र ओम मद मद स्वाहा सरस्वती नमः ओम भद्रकाले नमो नित्यं सरस्वती नमो नमः वेद वेदांत वेदांत विद्या देवच यश चंदन ओम देवद भागवतनी स्वाहा श्री सरस्वती नमः ले लो। फूल तो ये तुम लोग हिलते हिलते पनीर भाग जाएगा। महाभागे युद्धे कमलोचने विश्वरूपे विचालक्षी वृद्धांगदेही नमस्तुते जय जय देवी चराचर साड़ी उच्च जग शोभित मुक्ता हाड़ी बिना पुस्तक रंजित हस्ते भगवती भारती देवी नमस्तुते। झुक के करो, ये तो ज्ञान नहीं मिलेगा, साल में एक बार झुकना है, झुको झुको प्रणाम अच्छे से, नहीं तो आशीर्वाद अच्छा कैसे मिलेगा। हैप्पी सरस्वती पूजा।
अभी हम क्या करेंगे पापा, प्रसाद खाएंगे हम सब। चलो पापा देखो पूजा कर रहे, पापा पूजा कर रहे, देखो क्या मिस दिखा दो, अपनी दिखाई दिखा दो, दिखाना चाहिए ना आप तो, हम लोग को ज्ञान दोगे। गर्म हो गया ना, तो सुबह से कंटिन्यू दौड़ भाग करने के बाद ना कंटिन्यू मतलब नॉन स्टॉप रेस्ट नहीं मिला, थोड़ा भी रेस्ट नहीं मिला है, क्योंकि आज ना दो हो गया, एक तो गणतंत्र दिवस है आज 26 जनवरी, और सरस्वती पूजा भी एक डेट में ही पड़ गया, सेम डेट में, ऊपर से बच्चों को स्कूल तैयार करके 7 बजे स्कूल छोड़कर आई, कि एक्चुअली पैदल ही गया मतलब स्कूटी में नहीं गए, टूटू की भी नहीं मिला तो पैदल गए, क्योंकि बाबू को थोड़ा काम था और बाबू घर पे था, क्योंकि घर पे भी फ्लेगोस्टिक होता है। हाँ आ रही हूँ, हाँ बोलो क्या ला रहा है। तो कियान जो है अभी बलून लेके खेल रहा है, और मैं सबको प्रसाद खिलाने के बाद अभी खुद प्रसाद लेके बैठी हूँ। कियान ने प्रसाद खाया, देखो कियान आया है, देखो हाय बोल दो सभी को, हैप्पी सरस्वती पूजा बोलो, वंदे मातरम बोल दो, वंदे मातरम, वंदे मातरम। तो कियान जो है पहले क्या बोलता था पता है, झंडे मातरम, वंदे मातरम बोला नहीं आता था, और ऊपर से मैंने आज साड़ी पहना है, तो दौड़ भाग करने में ये साड़ी बहुत अच्छा लगता है, हैंडलूम का है ना, बहुत अच्छा लगता है दौड़ भाग करने में, तो फटाफट से नहाकर सुबह सुबह पहन लिया था। और यहाँ पे देखो पायस बनाई थी, तो ये पायस है, आप लोग को दिख रहा है क्या, तो यहाँ पे ये पायस है, और यहाँ पे मैंने प्रसाद ले लिया है, तो यहाँ पे पंचमेवा है, और ये जो मेरा फेवरेट छोटा छोटा कश्मीरी बेर जो होता है ये अपन लिया है, और खीरा था, तो मतलब कुकुम्बर जो होता है ना वो सब था, क्योंकि मैंने नहीं लिया, वो सब खाने से मेरा प्रॉब्लम होता है, तो और जो है ना ऑरेंज अभी कौन खाएगा, इसलिए मैं वो सब नहीं ली हूँ, केला तो मैं खाती नहीं हूँ, तो ये प्रसाद अभी जो है खाऊंगी, और पायस पहले सबसे पहले ना मैं एक प्रसाद ले लेती हूँ। तो क्या लनाया का फेवरेट और क्या का फेवरेट है, चेरी है, तो मैं चेरी नहीं खाऊंगी, मैं काजू खाऊंगी, और बाबू जो है खा लिया, मिस भी खा के चली गई, मम्मी उसको बाजार जाना था, इसलिए मैं सुबह सुबह ट्यूशन में आ गई थी, और मैं ला कर आई हूँ बड़े, जो खट्टा वाला बड़े ही होता है ना खाने को, तो उसका बर्ता बनाऊंगी, चटनी जो भी होता है ना छान कर उसके बाद खाएंगे, तो वो वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगी, पर आज नहीं खा रही हूँ क्योंकि आज बहुत सारा काम है, तो कल खाएंगे, जब भी खाएंगे वीडियो शेयर हो जाएगा आप लोग के साथ। तो आप लोग भी इंजॉय कीजिए सरस्वती पूजा, और बहुत सारा काम भी मतलब था, तो फटाफट करके मैंने पूरी बनाने वाली थी, पायस और पूरी, तो पूरी तो बना नहीं पाई, पायस बना ली, उधर पूजा करी थी इधर पायस भी बनाई थी, तो मेकअप हो गया, पूजा के पहले पायस बन के तैयार हो गया, उसके बाद पूजा कंप्लीट किया, क्योंकि बाबू नहीं था ना दुकान में, था कस्टमर आया था इसीलिए, तो दुकान में भी गया, स्कूल से देकर आके फिर दुकान में तैयारी किया, वहाँ पे फ्लेगोस्टिंग हुआ, फिर घर पे साफ सफाई किया, पोछा, क्योंकि पूजा है तो पोछा बढ़ता है ना, अब 2-3 बार पानी गिर गया, तो सब पोछ पाछ के उसके बाद पूजा किया है, पता नहीं चला इतना सारा काम कैसे कैसे 9-10 बजे के अंदर खत्म हो चुका, तो अच्छा लग रहा है पूजा खत्म हो चुका, टेंशन फ्री, और स्कूल जाकर भी बच्चे लोग आ गए हैं, तो आज जो है बहुत जगह जाने का मन था पर जा नहीं पा रही हूँ, बुरा लग रहा है। मैं यहाँ पे ना हम लोग का घाट में सबसे ज़्यादा सुंदर सरस्वती पूजा होता है, जितना भी मतलब सिलचर में भी जितना देखती हूँ ना, पर मैं यहाँ पे हम लोग के घर के पास जो है ना गांव मतलब चाय बागान का जो लोग करते हैं ना, बहुत ज़्यादा सुंदर हर बार, तो इस बार हेलीकॉप्टर का बनाया है, थीम रखा है उन लोगों ने, और उसके पास ही जो है गणेश बनाया है, बहुत सुंदर बनाते हैं हर बार, बहुत सुंदर बनाते हैं, और 2 दिन तक जो है प्रोग्राम चलता रहता है, तो वहाँ पे जाने का मन है, तो देखते हैं शाम तक अगर जा पाएंगे तो वीडियो शेयर होगा ही, आप लोग को दिखने को भी मिलेगा, तो मैं भाई लोग को बोली आप लोग वो फोटो वोटो जो भी उठा के ला के मुझे दे देना, तो भाई बोल रहे आना पड़ेगा वहाँ पे, हम लोग को दुकान में जितने भी भाई है ना वहाँ पे काम मतलब सभी उन्होंने मतलब सजाया है, उन लोगों का थीम था, उन लोग सभी मतलब एक कमेटी मेम्बर होते हैं ना, तो वहाँ पे थे, तो मेरे हाथ में अभी भी पूरा सिंदूर से लाल है पूरा, देखो तो ये मैं प्रसाद खा लेती हूँ, फिर आप सबसे मिलती हूँ। हाय, तो पूजा हो चुका है और फ्लेगोस्टिंग भी हो चुका है, तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, तो अच्छा लग रहा है, सब काम जो टाइमली हो गया, और अभी जो है हम लोगों ने पायस खाया, मतलब सभी ने खा लिया था, मैं खाई पायस, सच्ची बोलूँ पायस बहुत ज़्यादा टेस्टी हुआ है, बहुत अच्छा लग रहा है खाने में, मतलब ना धीमी आँच में जो भी बनता है ना बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि मैंने धीमी आँच में उसको रख के काम भी कर रही हूँ, पायस को भी देख रही थी, क्योंकि जोर से नहीं दिया क्योंकि जल जाएगा या फिर दूध उबल के गिर जाएगा बोल के, तो हैप्पी गणतंत्र दिवस एंड सरस्वती पूजा, अच्छा है, तो आप लोग घूमिए फिरिए खाइए, आज तो खिचड़ी खाने का दिन है, पायस खाने का दिन है, तो मुझे आज तो खिचड़ी मिलने से रहा तो बना के खाना पड़ेगा, क्योंकि कंटिन्यू खिचड़ी बनाती रहती हूँ, तो अभी मुझे खिचड़ी खाने का मन नहीं है, पायस खा लिया पेट भर गया, अब बड़ा बड़ी जगह लंच का कोई फिक्र नहीं है, रात को जो है डिनर के लिए टेंशन है, तो देखती हूँ दिन को बच्चे अगर खाएंगे बाबू खाएगा तो बना लूँगी मैं कुछ भी, और अभी आई थी मैं तालाब के पास, देखो कल तालाब से एक मछली मिला था, एक ही मछली,
कहाँ से घुसा था, मैं बोल रही थी ना आप लोगों को कैमरा में वीडियो में कल का ब्लॉग जो आप लोगों ने देखा होगा, तो वहाँ पे एक बड़ा 2.5 किलो का मछली मिला कि आई थी ना, वो जब फ्लैट हुआ था तब भी एक छूटा था, एक ही मछली था, और पूरा ढूंढा और नहीं मिला, बस एक ही मछली मिला और भी 2.5 किलो का, और भैया लेके चले गए क्योंकि मैं नहीं बनाई क्योंकि मुझे काटने से डर लगता है, पूरा जिंदा मछली था। उसके बाद पंचमी भी है तो एक इंसान खाएगा तो काट के इतना बड़ा मछली बेकार क्या करना है, जो खाएंगे पूरा फैमिली खाएंगे तो अच्छी आशीर्वाद देंगे, तो दे दिया। तो अभी मैं जा रही हूँ थोड़ा बाबू के पास जाऊँगी, बाबू का थोड़ा हेल्प करूँगी, उसके बाद तो सोच रही हूँ थोड़ा देर रेस्ट करूँगी। सो रात भर मैं सोई नहीं हूँ और सुबह 3:30 बजे से ना मैंने खिड़की खोल के रखा था, इतना फूल लेने के लिए औरत बोलिए, इंसान बोलिए, बच्चे बोलिए, बेगले लेके आ रहे थे। कम से कम 6:30 तक मैंने लोगों को हटाया है, पर जब 7 बजा ना तो दो बच्चे लड़के आए, बड़े बड़े थे, तो उन्होंने बोला दीदी फूल चाहिए, ठीक है फूल चाहिए, आपके पास बेलपत्ता है वो मुझे दे दो। तो उसने बेलपत्ता दिया, मैंने भी उसको फूल दे दिया क्योंकि बेलपत्ता चाहिए ना अंजलि के लिए। और अंजलि लेने में क्या हुआ है आप लोग देखिए, क्योंकि हम लोगों ने यूट्यूब से सर्च करके सरस्वती पूजा का जो अंजलि मंत्र है वो वाला निकाला, फिर जाके अंजलि वहाँ से सुन रहे हैं, पंडित बोल रहे हैं, हम लोग इधर अंजलि दे रहे हैं, बहुत मजा हुआ है। तो आप लोग वीडियो देखते रहिए, वीडियो के साथ बने रहिए, लाइक शेयर कमेंट तो है, प्लीज सपोर्ट कीजिए, प्लीज।